उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता देकर जहां युवाओं को सम्मानपूर्ण जीवन की राह दिखाई है, वहीं कक्षा 10 उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्रों को लैपटॉप देने का निर्णय लेकर उनके बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी है। प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए चलाई जा रही कन्या विद्याधन योजना छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। प्रदेश में युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अखिलेश सरकार ने IIT स्तर की संस्थाओं के विकास का भी फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने विकास से अनछुए अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का विशेष ख्याल रखते हुए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अहम निर्णय लिया है। कृषि के क्षेत्र में एक अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई कृषि उद्यान एवं खाद प्रसंस्करण नीति लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और बेहतर प्रजाति के बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठाते हुए जहां विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है, वहीं शहरी गरीबों के लिए नई राज्य शहरी आवास और पर्यावास नीति लागू की जा रही है। प्रदेश को उद्योगों के क्षेत्र में एक बार फिर उसका पुराना गौरव दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई औद्योगिक नीति बनाने का ऐलान किया है। राज्य में बेहतर सड़कों के लिए PPP मॉडल का काम किया जा रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ को IT सिटी के रूप में विकसित करके एक नई पहचान दिलाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी युवा सोच के जरिए प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। उनके निर्णयों से आज प्रदेश में विकास का माहौल तैयार हो रहा है और राज्य की जनता में आने वाले बेहतर कल की उम्मीद जगी है। इरादा प्रदेश को आगे ले जाने का।